500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फीन को 3 माह के लिए रियायत देंगे। 94% घरेलू सार्फीन फायदा उठाएंगे। वजीर आजम का ऐलान, कहा सियासत को दांव पर लगाकर रियासत को बचाया, अगर रियासत को ना बचाया होता तो कहां की सियासत और कहां का बजट होगा। इससे पहले सियासत को चमकाने के लिए बड़े बोल बोले गए। करप्शन का खात्मा होने के बजाय बड़े बड़े करप्शन स्कैंडल आए। गंदुम और चीनी की दरामद और बरामद में जेबें भरी गई। कहा क्या लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, मगर 190 मिलियन पाउंड्स पर हाथ फेरे गए। घरेलू सार्फीन जो हैं, वो 94% इससे फैजयाब होंगे। 200 यूनिट तक हम इनको रियायत दे रहे हैं 3 महीने के लिए। हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने दांव पे लगाया, और अगर हमने रियासत को ना बचाया होता तो फिर कहाँ का बजट और कहाँ की सियासत। सियासत को चमकाने के लिए किस तरह के बड़े बड़े बोल बोले गए, वादे वईद किए गए कि 90 दिन के अंदर पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा हो जाएगा। करप्शन का खात्मा तो दूर की बात, करप्शन के इतने बड़े स्कैंडल आए। चीनी और गंदम को पहले एक्सपोर्ट किया गया, फिर बाद में इंपोर्ट किया गया। हल्का 11 था, उनकी जेबें भरी गईं कि 300 अरब डॉलर पाकिस्तान का लूटा हुआ वो लेकर आएंगे। लूटे हुए दौलत की एक ढेला भी नहीं आया, मगर 90 मिलियन पाउंड पर भी हाथ साफ किए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।